एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। एबीसी इज अ ट्रायंगल, एबीसी एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, राइट एंगल्ड एट सी, सी पर राइट एंगल बन रहा है, यानी कि अगर ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है, सी पर राइट एंगल बन रहा है, सी पर राइट एंगल बन रहा है, आप ए बी को कहीं भी लिख सकते हैं, ए यहां लिख सकते हैं, बी यहां लिख सकते हैं और वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, ठीक है। इफ ए बी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, अगर ए बी 25 है, चलिए ये 25 है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर है, ए सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ए सी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसे पाइथागोरस प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो सबसे लंबी साइड होती है यानी एच स्क्वायर, एच का स्क्वायर सबसे लंबी साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। सो हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है, यानी कि ए बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर या बी सी स्क्वायर, ठीक है, बी सी लिख लीजिए, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ऐसे होता है, ठीक है। ए बी का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा ए सी के स्क्वायर के प्लस बी सी के स्क्वायर के, वो हमने लिख लिया। चलिए यहाँ पर हमें बी सी फाइंड करना है, बी सी यहाँ पर नहीं है, बी सी यहाँ पर है, तो मैं क्या करूंगी, ये जो बी सी वाली जो इक्वेशन है इसको आगे ले आऊंगी, ठीक है, वो क्यों ला रही हूँ उसको आगे, क्योंकि मुझे बेसिकली बी सी को फाइंड करना है। सो बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, आपको स्टेटमेंट को ऐसे ही रखना है, इक्वेशन को चेंज नहीं करना, ठीक है। चलिए बी सी स्क्वायर क्या है वो हमें पता नहीं, फाइंड करना है, सो बी सी स्क्वायर एज इट इज प्लस ए सी, ए सी कितना है 7, यानी 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना है, ए बी है ये 25, यानी 25 का स्क्वायर, ठीक है, 25 का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, बी सी के स्क्वायर को हम एज इट इज रखेंगे, इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा, ये जो प्लस 7 स्क्वायर था इसे मैं यहां पर ले जाऊंगी, ट्रांसपोज करूंगी और ये हो जाएगा माइनस 7 स्क्वायर, इसीलिए मैंने बी सी स्क्वायर को आगे किया था, क्योंकि हमें फाइनली बी सी मालूम करना है ना, इसीलिए बी सी को आपको एक तरफ रखना है। अब बी सी का स्क्वायर है इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर, मतलब 25 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस माइनस 7 का स्क्वायर, मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, बी सी का स्क्वायर है 25 मल्टीप्लाई बाय 25, सो 25 का स्क्वायर होता है 625, तो यहां पर मैं लिख रही हूँ 625 माइनस 7, 7 से क्या होता है 49, तो यहां पर 49 लिखेंगे, ठीक है। अब बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये है 15, ठीक है, 15 में से 9 माइनस करना होगा और ये 2 इसको लेंड करके ये हो जाएगा 1 और इससे कैरी करके हो जाएगा 11, यहां तक हमने ठीक कर लिया, 6 बन जाएगा 5, 15 में से 9 माइनस करेंगे 6, 11 में से 4 माइनस करेंगे 7 और ये जो 5 है ये एज इट इज रहेगा, यानी 576। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, अभी हमें 576 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो चलिए फाइंड करते हैं, पीछे 6 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर बच जाएगा, 2 8 जा 16, फिर यहाँ 1 रिमाइंडर बचेगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ठीक है, फिर आगे 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, इसे फिर मैं 2 से करूंगी, 2 9 जा 18, अब ये 9 जो है ये 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 3 के टेबल में 3 पे 9 आता है, तो ये पूरा अब ये सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए अब इसका क्या करना है, अब इसके ये सारे प्राइम फैक्टर्स हम लिखेंगे, सो बी सी के स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ बी सी मल्टीप्लाई बाय बी सी, ठीक है, 576
576 को क्या लिखेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। और 3 कितनी बार है, 2 बार है, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, यहां तक हमने कर लिया। अब आप देखिए यहाँ पर हमें डिजिट्स के पेयर्स दिखाई दे रहे हैं, जोड़े दिखाई दे रहे हैं, बीसी बीसी दो बार है तो इसे आप एक बार बीसी लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पेयर है तो पेयर में से आप एक बीसी बाहर निकाल लेंगे। ये 2 का पेयर है, 2 मल्टीप्लाई बाय, एक और 2 का पेयर है, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर देखिए एक और 2 का पेयर है, सो इसे मैं मल्टीप्लाई बाय 2 लिखूंगी। एक एक पेयर को आपको एक एक डिजिट रखना है, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को आप मल्टीप्लाई बाय 3 लिखेंगे, ठीक है। सो बीसी कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, यानी बीसी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है, यानी हमें ये जो साइड फाइंड करनी थी बीसी, ये कितना है, ये 24 सेंटीमीटर है। दिस इज आवर फाइनल आंसर।